ਤਿੰਨ ਬਈਆ ਦੁੱਖ ਹਰ ਜੋ ਪਿਰ ਜਾਤੇ ਤੋਲੇ ਪਰ ਚੁਰੀ ਲਾ ਕੋਲ ਤੇਰੀ ਮਾਨ ਮਰੇ ਤੂੰ ਅਮਰਾ ਤਮੇ ਪਿੱਛਾ ਕੋ ترجمة
का युवराज कंस ने भरे चौराहे पर मेरी बेटी को निवस्त्र करके मार लगाई। महाराज कहने लगे मेरे बेटा कंस को मेरे दरबार में हाजिर किया जाए। कंस आया और कर्ण कहिए बूढ़े बाप बेटा को क्यों याद किया है? महाराज उग्रसेन कहने लगे हैं बेटा ये जो लड़कियां खड़ी हैं भरे चौराहे पे निवस्त्र करके मार लगाई क्या तुम्हें लगाई? कंस कहने लगा हां बूढ़े बाप मैंने ही लगाई है। महाराज उग्रसेन कहने लगे बेटा जब तुम अभी राजा नहीं प्रजा पे इस तरीके से अत्याचार मचा रहे हो और जब तुम राजा हो जाओगे तब कंस कहने लगा बूढ़े बाप तुम तो बूढ़े हुए सो हुए तुम्हारी अकल की घोड़ी बूढ़ी हो चुकी है। तुम नहीं जानते कि सत्ता कैसे चलाई जाए। और कंस कहा बोलो कि जो कोई किसी की न माने तो हर मान जाए डंडे से। तुम्हारा बेटा कंस राज के लायक हो गया है। राज के लायक आप सिंहासन से नीचे उतरो बेटा को राजपाल सौंपिए। राजपाल आगे बढ़ करके कंस ने अपने बाप का गरीबान पकड़ा हाथों में हाथ भर लिया और उठा करके काल कोठी में डाल दिया और मथुरा को राजा कंस बन बैठे। समझो तो करेला करो तो नीम पर पौड़ी नीम